मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हनु एंड द फैमिली में। और दोस्तों, आज है थर्सडे और आज हम मैं सब्जी लेने जाती हूँ सुबह सुबह, इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ क्योंकि यहाँ पानी आता है। तो सुबह सुबह मैंने पानी भर लिया है। आज मुझे मशीन लगाने, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने नहीं लगाया। अब आज बृहस्पति है, सोच रही हूँ लगाऊँ ना लगाऊँ, बट मैंने सारा पानी बाहर भर लिया है। यहाँ हम लोग की चाय रेडी है, आप लोग भी आइए पीजिए। तो यहाँ पे चाय भी रेडी है, तो बस हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। उसके बाद मैं जाऊँगी सब्जी लेने, सब्जी लेने के बाद आएंगे तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोएंगे क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए हैं और तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ठंड के मारे जुकाम जैसा हो रहा है, तो इस वजह से। तो चलिए दोस्तों, फिर चाय वाय पीते हैं। और पता है आज आपको कि हनु सुबह ही सुबह उठ गया है, जैसे मैं उठी वैसे ही उठ गया है। हनु गुड मॉर्निंग कर दो। और जैसे मैं उठी वैसे ही जग गया है, इतना मतलब रो भी रहा था उठ के कि बस मम्मी पास लेटो। हमने कहा इतने छोटे नहीं, इतने बड़े हो गए हो तुम कि मम्मी के बिना थोड़ा सा रह सकते हो। अल्लो अल्लो, ये क्या है। चलिए दोस्तों, फिर चाय, ठंडी हो रही है, चाय पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बंदर बंदर बंदर। चलिए दोस्तों, कच्चा बादाम के काजू इतने सारे खाओगे। अच्छा वो और बादाम कहाँ है, इतने सारे काजू नहीं खाने हैं। अनु खा लो, मैं नहीं, तुम बस काजू खाते हो बादाम नहीं खाते हो, इतने सारे नहीं खाने हैं। ये तुम्हारा स्नैक टाइम है सुबह सुबह का है। हेलो कर दो सबको। तो यहाँ पे धुल रहे हैं कपड़े राहुल के, यहाँ कपड़े पड़े हैं अभी, और हनु मेरी हेल्प करा रहे हैं। हनु मेरी हेल्प करा रहे हैं। हेलो कर दो सबको। हनु क्या कर रहा है, कपड़े धो रहा है। यहाँ मैंने सारा पानी भर दिया है, धूप देख सकते हैं बहुत अच्छी वाली निकली है। हनु सब रहे तो बाद में डालेंगे। इसके अलावा मैं बहुत 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 सारी सब्जी लेके आई हूँ। गोभी का फूल देखिए, कितना बड़ा गोभी का फूल लेके आए हैं हम। ये देखिए कितना बड़ा गोभी का फूल। बहुत अच्छी सब्जी लेकर आई हूँ मैं। ये लाई हूँ मैं स्प्रिंग अनियन, ओह आधा तो गिरी गया। बहुत सारी सब्जी लेकर आए हैं, जब पूरा निकालेंगे फिर आपको दिखाएंगे। दोस्तों आप देख ही सकते हो कि मैं कितनी सारी सब्जी लाई हूँ, और ये ऐसा है कि ये हर बृहस्पति को मैं लाती हूँ। तो यहाँ पे मैं लाई हूँ सेम, जो कि आज मैं सेम बनाऊंगी। ये है गोभी, ये है मूली, ये है क्या मटर, ये है चुकंदर, पपीता, मिर्ची, और ये है अदरक, एक मिनट, अदरक, और ये है अमरूद। बहुत ताज़े मिलते हैं यहाँ पे अमरूद। ये है शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर, और वो पालक, पालक पनीर बनाने के लिए। ये इतनी सारी धनिया चटनी पीसेंगे, बहुत सारी धनिया, ओए गिर ना जाए। और यहाँ पे ये है आलू, लहसुन, प्याज था तो मैं प्याज नहीं लाई हूँ, और हाँ ये सागा प्याज, इसे स्प्रिंग ऑनियन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं लाई हूँ। मैं सोच रही हूँ सब्जी में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो फिर लग रहा है कि चलो सेम बना लेते हैं, दाल चावल के साथ सेम अच्छी लगेगी। और ये पपीता जब राहुल आएंगे तो काटेंगे, वरना सो कल मॉर्निंग में काटेंगे। अमरूद यहाँ बहुत ताज़े मिलते हैं, एकदम खेत से टूटे आते हैं अमरूद। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मन तो कर रहा है कि इसको तोड़े ही ना, क्योंकि इसे पत्ता वत्ता सब लगा है। और ये सैलेड के लिए चुकंदर, गाजर, मूली, टमाटर राहुल खाते नहीं, लेकिन टमाटर तो भैया हमें लगता है कि टमाटर होना चाहिए घर में। मिर्चा पता है आधा किलो उसने दे दिया ज़बरदस्ती, मिर्चा भी बहुत एकदम ताज़ा मिर्चा रहता है। ये मैं आपको दिखाऊँ, देखिए हमारे यहाँ मिर्चे ऐसे मिलते हैं कि उसमें पत्ती लगी रहती है, मतलब इतने फ्रेश इतने ताज़े रहते हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो ये मिर्च भी बहुत ताज़ी है, देख सकते हो आप। इसमें क्या था, इसमें कुछ नहीं, जैसे पपीता था। तो ये इतनी सारी सब्जी मैं लेकर आई हूँ। और हनु, मैंने आपको बताया था कि हनु क्या बोलते जल्दी जग गया था आज, तो सो गया है। तो मेरा भी सारा का सारा काम पड़ा है, पहले ये सारी मैं सब्जी समेटती हूँ, और मैंने वहाँ मशीन भी लगा रखी है, तो साथ ही साथ सारे काम करते चलेंगे। पहले सब्जी समेट के रखते हैं सारी की सारी, उसके बाद काम करते हैं। और किचन में भी अभी बर्तन वर्तन सब पड़े हैं, और ब्रेड बटर राहुल खा के गए थे, दूध है, किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े अभी मुझे वो भी धोने हैं। तो जल्दी से अब ये सब्जियां समेटते हैं और फटाफट काम निपटाते हैं। बाहर
ये कपड़े पड़े ही हैं, मशीन में भी कपड़े पड़े हैं, तो देखेंगे मन करेगा तो अभी निकालेंगे वरना शाम को निकालेंगे। मिलते हैं दोस्तों फिर थोड़ी देर बाद सब्जी समेटने के बाद, क्योंकि सब्जी का बवाल ना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सेम आलू की सब्जी मैंने बना ली है, यहाँ पे रात का चावल रखा है उसको फ्राई करूँगी, यहाँ पे मैंने सलाद काट के रख दिया, मतलब काटा नहीं है बस छील के रख दिया है, और यहाँ पे अरहर की दाल बना दी है, बस मैं तड़का लगाना बाकी है, आटा सानना बाकी है। बहुत थक गए हैं यार, तबीयत ठीक नहीं है, और मशीन में कपड़े भी पड़े हैं, बट निकालने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है शाम को पानी आए तो ही करें, क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और बस राहुल आएंगे, बस जल्दी से खाना देंगे और फिर देखते हैं क्या करना है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने चावल भी फ्राई कर दिए हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जिस कढ़ाई में आप सूखी सब्जी बनाएं और उसी में चावल फ्राई करें ना तो बड़ा टेस्टी लगता है। थोड़ी सब्जी उसी में छोड़ दीजिए, जैसे कि मैंने सेम आलू की बनाई थी तो उसी में मैंने चावल डाल के फ्राई कर लिए हैं और काफ़ी अच्छे बने हैं और टेस्टी लगते हैं खाने में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ अच्छे से हैं। सो दोस्तों आज है फ्राइडे और राहुल के ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, तो बस मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, यहाँ मैंने मैक्रोनी बॉयल करके सुबह ही रख दी थी जब चाय बना रही थी, यहाँ मैंने सारे वेजेस काट लिए, वेजेस में सिर्फ मैं कैप्सिकम, टमाटोज, अनियन और चिली, बस ये चार चीज़ें मैंने ली हैं और यहाँ मैं बनाऊंगी मैक्रोनी। एक्चुअली क्या था ना कि हनु को बहुत दिन से खाना था, तो इधर बीच पोहा उपमा यही सब बन रहा था, तो मैंने कहा चलो आज मैक्रोनी बनाते हैं। तो मैक्रोनी को बॉईल करके रख लिया है, अब जल्दी से इसको तैयार करते हैं क्योंकि घड़ी में बज रहा है 9:30 और 15 मिनट में ये चले जाएंगे, तो जल्दी से 5 मिनट में बन जाएगी। दोस्तों बनाते हैं फिर मिलते हैं। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो कि मेरी मैक्रोनी बन गई है, उधर रखी है पालक, आज मैं पालक की सब्जी बनाऊंगी। अब चलते हैं चाय गरम करते हैं, धनिया मैंने डाली दी है, जल्दी से मैक्रोनी जन्ना को देते हैं, गरम गरम धुआं निकल रहा है ना, मस्त मैक्रोनी बनी है, चलिए जल्दी से देते हैं उनको, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैक्रोनी कैसी बनी है? यम्मी यम्मी, खा के दिखाओ। हनु की मैंने थोड़ी सी सादी निकाल दी कि उसको मिर्च ना लगे, उसके बाद मैंने इसे मैगी मसाला और ब्लैक पेपर डाला है, काली मिर्च। हनु कैसी बनी है? मस्त। चलो चलो खा लो, पापा को देते हैं। यहाँ पे बन रहा है पालक पनीर और हनु को नहला धुला के सुला दिया है, मैंने भी नहा लिया था, थोड़ा देर हो गया था आज नहाने में, तो यहाँ मैं बना रही हूँ पालक पनीर। इसकी मेकिंग का वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो आप बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं हनु को नहलाया था ना तो हनु आज जल्दी सो गया, तो बस जल्दी से सब्जी वगैरह बना लेते हैं और फिर खाते हैं खाना वाना। आज 3 बज गया है और जो कल के कपड़े धुले थे ये सूख गए हैं थोड़े बहुत, और आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं इसके लिए थैंक यू दोस्तों। सो दोस्तों राहुल यहाँ पे हनु को लेके सुबह सुबह बैठे हैं क्योंकि रात 2 बजे से हनु को लैट्रिन आने लगी थी, पता नहीं क्या हुआ था, ठंड लग गई थी क्या हुआ था, तो फिर हम लोग को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। तो आगे आप देखेंगे कि हनु के टेस्ट वगैरह हुए हैं, तो हनु कितना परेशान कितना रोया है देखिए। नहीं बेटू बस इसको खोलोगे तो दर्द होगा, इसको खोलना नहीं मुठ्ठी, आई क्लोज करो, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, पूरी आंखें बंद कर लो, आगे खोलना नहीं बिल्कुल। खून निकल तो नहीं रहा? चलो ठीक, अब ठीक हो तुम? थोड़ा ठीक हो? इन्होंने किया है, डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं किया है, डॉक्टर साहब से नाराज ना हो तुम।
ब्रेव है, ब्रेव है मेरा नाम, ब्रेव है ना। आओ रोते क्यों हो, आओ आओ मम्मी पास आओ, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है ज्यादा, दर्द हो रहा है थोड़ा, पापा चल ले बेटा, आप कुछ नहीं करेंगे, अब तो हो गया, अब तुम्हारी सुई लगनी थी तो लग गई, अब क्या कर सकते हो। नरम है बच्चों, मौसी देखो देख रही तुमको, बाबू रो रहा है, मौसी देख रही थी बाबू रो रहा है, हनु को हो गया है भाई, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं आ रही है तो दोस्तों हनु है बीमार, हनु की रिपोर्ट, हाँ दर्द हो रहा है। चलिए दोस्तों घर पहुँच के आपसे बात करते हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है मेरा। दोस्तों हनु का मूड ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ बंदा पे आए थे, तो यहाँ पे नया ये प्लांटेशन हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाए गए हैं और यहाँ पे ये सरस्वती माता जी भी बैठाई गई, हम लोग बहुत दिन बाद आए थे तो चलो सोचा कि ये भी देख लेते हैं, आगे देखिएगा। दोस्तों हनु का मूड ठीक करने आए हैं हम लोग बंदे पे और बहुत दिन बाद आए हैं आज, देख सकते हो गंदा पानी है, साफ कैसे हो दला, देखिए दोस्तों बहुत दिन बाद आए हैं हम लोग यमुना नदी में, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ग्रीनरी देख के, हम लोग को देख रहा होगा तो हनु का मूड ठीक करने के लिए लाए हैं, पर हनु अभी भी रो रहा है। चलिए अच्छा हनु को थोड़ा सा गोदी लेते हैं, राहुल परेशान हो जाएंगे, क्या हुआ देखो माता जी कितनी अच्छी बनी है, ये भी यहाँ पे नया बना है जो मैंने आपको वो दिखाया है ना पेड़ पौधे वाला, सरस्वती माता क्या हुआ, दबाओ बच्चा पकड़ लेना, क्या हुआ नानू, सुई लगी, अब तो सुई लग के टाइम हो गया यार, आ जाओ शाम का टाइम है, फिर भी देखो यहाँ पे कितने लोग टहल रहे हैं, गला दब गया वो जो ना चैन की वजह से, चैन की वजह से तुम्हें चैन दबा खोल लो, चलिए दोस्तों घर चलते हैं फिर वहाँ से बात करते हैं, बाय कर लो अनु, अनु बाय कर, अनु बाय कर लो, मेरा अनु की तबीयत खराब है और बस टहल रही थी तो सोचा आगे का वीडियो शूट कर लेती हूँ, तो ये कानपुर और हमीरपुर को जोड़ता हुआ पुल, इसी पुल से हम लोग कानपुर से हमीरपुर आते जाते हैं, तो बस राहुल से मैं मजाक कर रही थी कि चले कानपुर, तो बस यहाँ पे लड़के लोग नीचे तक जाते हैं भैया, सेल्फी पॉइंट है, सेल्फी वगैरह लेते हैं और ये पुल देखिए आप। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाई है कि हनु बीमार है, तो हाँ हनु बीमार है, उसको थोड़ा सा ना फीवर आया और उसके बाद उसको पॉटी आने लगी और पतली पॉटी हो रही थी और इससे आव नहीं होता है चिकना चिकना, वैसे में उसको ब्लड आने लगा था, तो हम लोग को चिंता हो गई, आज देखो संडे था इनकी छुट्टी थी तो हम लोग अभी इनका ऑफ था, तो मतलब लगा कि चलो दिखा लेते हैं, वैसे मतलब एक दिन में 3 से 4 ही बार पॉटी कर रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कर रहा है लेकिन कर रहा है, तो उसको पेट में दर्द हो रहा है और आँव के साथ ब्लड आ रहा है, तो ब्लड आने से थोड़ी सी टेंशन होगी, खा पी कुछ रहा नहीं है, देख सकते हो मेरे हनु को, हनु लेकिन मेरा हाय भी कर रहा है, कितना शिमिशदार मेरा हनु है,
तो इसलिए हम लोग हनु को दिखाने गए थे। और यहाँ पे बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर निरंजन, हम लोग हमीरपुर में हैं तो उनको वहीं दिखाना ही पड़ता है क्योंकि अच्छे डॉक्टर वहीं हैं। तो वहाँ दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि अगर पॉटी के साथ इनको बुखार भी आ रहा है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, वायरल होने के चांसेस हैं, तो आप एक CBC करा लीजिए। तो उनकी जाँच कराई, बहुत ज़्यादा मेरा हनु रो रहा था क्योंकि उसको इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन फिर हनु ने हिम्मत दिखाई और ब्लड निकलवाया तो जाँच में तो खास नहीं आया। हाँ, इनका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है, उस पर मैं ध्यान दूंगी। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से शादी वगैरह के चक्कर में ना हनु पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए हैं, और आपको तो पता ही है कि जहाँ आप रहने लगो फिर आप वहाँ से जाओ तो बच्चे का रूटीन ख़राब हो ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट मैं अब ट्राई करूँगी क्या, मैं डेफिनेटली इनका ध्यान बहुत अच्छे से रखूँगी और इनका हीमोग्लोबिन भी काफ़ी कम है। इन्फेक्शन थोड़ा सा ही निकला है जो कि दवाइयों से ठीक हो जाएगा। यार वहाँ जितने छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब कि 5 महीने 3 महीने 4 महीने के बच्चों को वीगो लगा हुआ था, इतना तरस आ रहा था देख के, क्योंकि आजकल बच्चों को ये सब वायरल हो ही रहा है, बच्चे परेशान हैं, ठंडी का मौसम स्टार्ट हो गया है इसलिए और भी ज़्यादा। तो हनु को बस दिखा के लाए, हनु को रास्ते में सर्दी लगने लगी थी जबकि मैं इतना पहना के ले गई थी, तो बस इनको मैंने कंबल में लेके गोदी में बैठे हैं और सब्जी वगैरह खाना बना आज हमारा रखा रह गया और राहुल मैंने खाना तक नहीं खाया है। पर बच्चा बीमार होता है ना तो किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता। और कपड़े भी बाहर मशीन लगानी थी, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने थे तो वो भी नहीं धो पाए, कोई काम नहीं हो पाया। बस हम घनु को लेके बस गोदी में ही बैठे रहे, बस इनको लगता है मम्मा गोदी में बैठो। राहुल के पास रहते हैं बट ये ज़्यादा नहीं रहते हैं, मम्मी मम्मी ज़्यादा करते हैं। तो बस दोस्तों यही है, और अभी थोड़ी देर बाद इनको दवा पिलाना शुरू करेंगे। उन्होंने 4-5 दवा दी है ना, तो एक एक करके पिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। काफ़ी सारी दवाइयाँ दी हैं आप देख ही सकते हो, और कुछ दवाइयाँ हमारे पास घर में पड़ी थी, और हनु को एक ये ORS वाला जूस भी दिया है जो कि हनु मेरा पिएगा ना, डॉक्टर ने कहा है पीना है नहीं तो फिर इंजेक्शन लगेगा, इसलिए हनु पिएगा। हनु उसमें क्या बना है? एप्पल। अरे वाह, ये तो एप्पल जूस है, बहुत यम होता है। तो ये सब हनु को दिया है डॉक्टर ने, दवा वा मैं रास्ते से राहुल लेते हुए आए हैं कि कोई दिक्कत ना हो, कि दोबारा ना जाना पड़े, क्योंकि उनको मम्मी पापा दोनों चाहिए होता है। मम्मी मिलती है तो पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, और जब मैं नहीं मिलती हूँ तो पापा मम्मी कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, तो बस यही होता है। तो बस लेके इनको बैठे हैं, इनको थोड़ी देर में राहुल और मैं मिलकर थोड़ी थोड़ी करके दवा पिलाएंगे ताकि रात तक इनको सारी दवाइयाँ पी लें और जल्दी मेरा ननू ठीक हो जाएगा। सबको फ्लाइंग किस कर दो, ननू आई लव यू बोल दो। हाँ तो हनु जल्दी ठीक हो जाएंगे दोस्तों, इस वजह से मैं कुछ वीडियो नहीं बना रही हूँ। आज हनु को बीमार हुए 2 दिन हो गए और तीसरा आज दिन है, अगले 2 दिन तक हनु बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी, हम लोग कानपुर भी जाने वाले हैं तो कानपुर में भी आपसे मिलेंगे। चलिए दोस्तों हनु को दवा वा पिलाते हैं और कुछ खाना वाना खाते हैं क्योंकि घड़ी में समय बज रहा है, फिर कानपुर चलते हैं। 6:45 दोस्तों की डॉक्टर के यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो 6:45 सब्जी वगैरह मैं बना गई थी, बस रोटी सेकनी है। तो अगर राहुल कहेंगे तो फिर जल्दी से रोटी सेकते हैं, खाना पीना खाते हैं, थोड़ी देर में कुछ करेंगे तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। अदरवाइज मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, जैसे मैं अपने हनु का ख्याल रखूंगी। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।